एक खातून ने मुझसे शादी का इरादा जाहिर किया कुछ बरस पहले ये थर्ड जी, और वो टेलीविजन की बहुत मारूफ अदाकारा, बहुत मारूफ अदाकारा, बहुत से लोग कह रहे होंगे सानू इतनी लंबी होती इतनी लंबी उस तरफ से इतनी संजीदगी थी कि उन्होंने बाकायदा लहंगा शहंगा अगरारा शरारा पहन के दोनों बेगमात के पास जाके मेरा रिश्ता मांगा, और दोनों बेगमात का सानू की तरह ठीक है कर लो से आप मुर्शिद होने के कितना करीब आ तो अब आप इनसे इससे उन दोनों की अच्छाई का अंदाजा लगाए कि उन्होंने कहा अगर आप दोनों चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा। और दोस्ती थी उनकी आपस में, तीनों की दोस्ती थी ठीक है, बहुत सारी तस्वीर में तीनों साथ भी है, पहले उनसे पहले उनसे फिर आपसे बात फिर मुझसे बात दोस्ती भाई बहुत अच्छी थी ठीक है, फिर मुझसे भी उन्होंने कहा कि मैंने इजाजत ले लिया ताकि आप बहाना ना बनाए तो उन्होंने दसों की करना है तो जहर का फौरन कैसे इनकार कर सकते हैं। अच्छा नहीं किया आपने, मैंने मतलब इकरार भी नहीं किया, मैंने इनकार भी नहीं किया। और उसी दौरान मुझे शुरू किया कि अच्छा जब शादी होगी तो फिर कितने दिन मेरे पास रहा करेंगे, तो कितने कपड़े मेरे पास होंगे, तो कितनी किताबें मेरी तरफ होंगी, तो ईद के दिन कितने घंटे आप। ओ मैंने कहा यार ये तो मेरी माँ के साथ तो मसाइल ही नहीं है। दैट डे आई रियलाइज्ड एक तीजी वाल सोचना भी नहीं, सबको ये रिकमेंड करना है कि तुम भी दूजी तरह सोचना।